सुल्तानपुर में इस बार फिर से जिलाधिकारी का बहुत अनोखा रूप देखने को मिला। यहाँ डीएम खेतों में धान काटते नजर आए। अब डीएम का ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। नमस्कार, मैं हूँ किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सुल्तानपुर में डीएम रवीश गुप्ता तहसील सदर के ब्लॉक दुबेपुर पहुंचे। यहाँ वैजापुर गांव में डीएम ने किसान शिव प्रसाद के खेतों में धान काट कर खरीफ फसल की कटाई की शुरुआत की। वहीं उन्होंने किसानों से अपील भी की कि सभी किसान अपने खेतों में पराली ना जलाएं, जिससे पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। डीएम ने कहा कि हो सके तो किसान फसलों को अपने हाथ से काट लें, और अगर हार्वेस्टर का इस्तेमाल करना हो तो नियमों के मुताबिक ही करें। के समस्त किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि किसी भी दशा में हमें जो धान की पराली है वो नहीं जलानी है। हमारे यहाँ छोटी जोतें होती हैं, यथासंभव फसल हाथ से काट लें। यदि कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि उसमें स्ट्रॉ रिपर या स्ट्रॉ वाइंडर अवश्य लगा हो। किसी भी दशा में पराली को आप जला करके उससे प्रदूषण भी फैलता है और उसके कारण एक बहुमूल्य संपदा भी नष्ट होती है। यदि आपको भूसे की आवश्यकता नहीं है तो उसे प्रधान जी के माध्यम से आप जो आपकी समीपतम गौशाला है वहाँ भेजें, ताकि इस माध्यम से गौसेवा भी हो सके और वो पौष्टिक आहार हमारे गौवंशों को प्राप्त हो सके। यदि कहीं भी पराली जलाई जाती है तो उसका माननीय न्यायालय द्वारा और शासन द्वारा भी बहुत प्रतिकूल संज्ञान लिया जाएगा एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी। अतः अनुरोध है कि किसी भी दशा में पराली नहीं जलाई जाए। डीएम ने यहाँ धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का आंकलन भी कराया। इसके साथ ही डीएम ने कहा कि जिसे भूसे की जरूरत ना हो वो प्रधान की मदद से उस भूसे को नजदीकी गौशाला में पहुंचवा दे, जिससे गायों को भी कम से कम पौष्टिक आहार मिल सके। डीएम ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि अगर कोई पराली जलाता हुआ पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल ये तो डीएम ने एक पहल की जिससे गाँव में किसानों को जागरूक किया जा सके, लेकिन उनकी ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तारीफें बटोर रही है। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू के साथ हजर अब्बास ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।